अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रफ्तार अहमद नासर। जी डी स्टूडेंट, मेरा छोटा सा टॉपिक है मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक हो गया, मरकजी रुझान की पुमाइश। अब मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर समरी स्टैटिस्टिक्स विच मैयर द मिडल और सेंटर ऑफ द डाटा। ये जो हमारे पास मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये हमारे पास दरअसल किसी दिए गए मवाद की दरमियानी मरकजी कीमत का पता चलाना है। हम किसी भी मवाद दिया गया, हमारे पास डाटा दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 10, 20, 50, 100 या 1000, 2000, 3000, 4000, ये एक डाटा है, इसकी दरमियानी मरकजी कीमत का पता चलाने का मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दीज आर नाउन्स एज मीन, मीडियन एंड मॉड। तीन किस्म की किस्में ज़्यादा अहम होती हैं, जिसमें मीन है, मीडियन है और मॉड है। यहाँ पर मीन क्या चीज़ है जी, फर्स्ट इसकी देखते हैं। द मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। ऑब्जर्वेशन मुराद जितनी वो तादाद में दी गई हैं, जो भी मवाद दिया गया ऑब्जर्वेशन, उसमें ऑल ऑब्जर्वेशन से मुराद वो सारी, जैसे कि 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन दी गए ना डाटा में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन की समझ आएगी क्या चीज़ है, 5 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 नंबर्स होंगे तो वो 5 ऑब्जर्वेशन होंगी। तो यहाँ पर कहता है द मीन जो होता है ना, मीन इज़ द एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। यहाँ पर जो हमारे पास मीन होता है, उसे मुराद है कि मवाद की वस्ती कीमत होती है। मीन से मुराद जो हमारे पास डाटा होता है उसकी दरमियानी कीमत, मतलब 5 हैं तो उसमें तीसरी जो उसकी दरमियानी वैल्यू होती है। ठीक हो गया, मीन हो गया। और इसी तरह द मीडियन, मीडियन की बात करें, इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन इन एन ऑर्डर सेट ऑफ डाटा। जो हमारे पास मीडियन होता है, मवाद की कीमतों को तरतीब से लिखने पर दरमियानी कीमत हमें जो मिलती है वो हमारे पास मीडियन कहलाती है। इनकी आगे एग्जांपल कराऊंगा, ये तो एक थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड इसमें है जी, द मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा। मॉड क्या चीज़ होती है, मीन की समझ आई। मीन होता है यहाँ पर मवाद की वस्ती कीमत, जैसा भी डाटा दिया गया उसकी वस्ती। ठीक हो गया, वस्ती से मुराद ही होगा कि उन सब सारे डाटे को आप ऐड करें और उनकी तादाद पे, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन पे डिवाइड कर दें, तो वो उसका मीन निकल आता है, तो उसकी वस्ती कीमत निकल आती है, उसकी एवरेज वैल्यू आप समझ लें। मीडियन से मुराद होता है कि एक डाटा लें, उसको तरतीब से लिखें, और तरतीब से लिखने पर उसमें जो दरमियानी वैल्यू होगी, अगर वो ऑड है तो उसकी दरमियानी वैल्यू, मतलब ऑड है तो वो 5 होगी, 3 होगी, 7 होगी, तो उसकी दरमियानी आसानी से पता चल जाती है। अगर 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसमें तीसरी जो होगी उसकी दरमियानी वैल्यू होगी, वो उसका मीडियन होगा। अगर 6 है तो तीसरी और चौथी दोनों उसकी दरमियानी होगी। फिर मॉड से मुराद यहाँ पर है कि वो कीमत जिसकी मवाद में सबसे ज़्यादा तकरार हो, मतलब जो बार बार आ रही हो, मतलब जैसे कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 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
5 दफा आया है, तो अगर 6 10 दफा आया है तो 6 इधर मॉड होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट हो, मतलब ज़्यादा तकरार से आई हो किसी भी डाटा सेट के अंदर। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थोड़ा सा कंसेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मॉड। इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उनमें इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होती हैं, इनको सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इनका फार्मूलाज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।